हिंदू समाज के बारे में, हिंदू धर्म के बारे में ऐसा प्रयत्न पूर्वक किया जाता है कि यह काल सुसंगत नहीं है। ऋग्वेद के ऋषि जो थे दसियों हजार वर्ष पूर्व, उन्होंने सारे हिंदू समाज के लिए एक दिशा निर्देश देने वाला एक बहुत सुंदर श्लोक लिखा और कहा भी कि दुनिया में, विश्व में कहीं से भी कोई अच्छी बात तुमको प्राप्त होती है तो तुम उसको ग्रहण करने में संकोच नहीं करना। आनो भद्रा कृतवो यंतु विश्वतः। इसका अर्थ ऐसा है कि कहीं से भी किसी भी दिशा से आपको कोई अच्छी बात पता चलती है तो आप उसको बिना किसी संकोच के ग्रहण करो। अपनी बात को ही लेकर के खड़े रहना ऐसा आवश्यक नहीं है, उसे परिवर्तन करो अगर आवश्यक है तो। और इसलिए हिंदू धर्म, हिंदू दर्शन, हिंदू विचार, हिंदू समाज ये निरंतर परिवर्तनशील है। देखिए गंगा बह रही है, कोई भी जल स्थिर नहीं है, आता है चला जाता है, लेकिन गंगा स्थिर है। जिस प्रकार से गंगा बह रही है, हजारों हजारों साल से गंगा है, जल भी है, स्थान भी है, लेकिन हर जल एक नया स्थान लेता है, हर दिन एक नया, हर क्षण एक नया जल आ जाता है। हिंदू धर्म, हिंदू दर्शन, हिंदू विचार और हिंदू समाज ऐसा ही है। और इसलिए डॉक्टर राधाकृष्णन कहते थे कि यह जो हिंदू धर्म है यह निरंतर गतिमान है, प्रवाहमान है, ये स्थिरता का प्रतीक नहीं है।